सुनो जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो भाग्यवान, मेरे कान कब से तरस रहे हैं तुम्हारे मुंह के मीठे मीठे प्रवचन सुनने को। देखो जी, मैं बहुत लंबे समय से बीमार चल रही हूँ और सभी डॉक्टरों ने हद कर दी है। अब मेरे बचने के कोई उम्मीद नहीं है। मेरी एक इच्छा है, क्या तुम पूरी कर दोगे? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो भाग्यवान, मुझे भले ही यमराज के साथ युद्ध लड़ना पड़े पर मैं तुम्हें हर हाल में बचाकर रहूंगा। पर ये तो बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा है क्या? जी, अब वक्त का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी वहाँ भगवान के यहाँ से बुलावा आ सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए मेकअप की डिब्बा ले आए ताकि मैं मेकअप करके सज धज के एक सेल्फी ले सकती हूँ। बस इतनी सी बात? अरे भाग्यवान 2 मिनट रुको, मैं अभी लेकर आया। लेकिन ये बताओ, तुम्हारी और इच्छा बाकी नहीं है ना? देखो जी, मेरी एक और इच्छा है। मैं चाहती हूँ मेरे मरने से पहले आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मुझसे आपको अकेलापन नहीं दिखा जाएगा। कैसी बात कर रही हो भाग्यवान, मैं तुम्हारी यादों के सहारे पूरा दिन जी लूंगा लेकिन दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। देखो जी, अब जिद मत करो। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो बताओ, शादी करा देती हूँ। और ना हो तो भी बता दो, मैं अपनी सहेलियों से बात करके साथ में आप लोगों को शादी करवा देती हूँ। देखो भगवान, तुम्हें कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सहेली पूजा को दिल दे चुका हूँ, वो भी मुझसे 4 महीने से प्यार करती है। अब हम दोनों शादी कर लेते हैं, तुमको जाना है तो जाओ। ठीक है जी, अब हम चलते हैं भगवान के पास। तब तक लिटरता बाबा, सी यू, मिलते हैं तो अगले जन्म में। बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी, आप सुबह सुबह गला क्यों फाड़ रही हो? अरे बहू, सुबह के 8 बज गए हैं और तू अभी तक सो रही है। घर का काम काज नहीं करना है क्या? देखो माँ जी, मुझे रात को 2-3 बजे नींद नहीं आई थी, इसलिए नींद खुलने में थोड़ी सी देर हो गई। क्या हुआ बहू, तुझे रात को 2-3 बजे नींद क्यों नहीं आई? कहीं तेरी रात को तबीयत तो खराब नहीं ना हो गई? नहीं माँ जी, मेरी तबीयत पूरी तरह से सही है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो फिर तुझे रात को 2-3 बजे तक नींद क्यों नहीं आई? कहीं मोबाइल तो नहीं चला रही थी? को माँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जल्दी बता बेटा, कहीं तुम दोनों की लड़ाई थोड़ी न हो गई थी? नहीं माँ, हमने रात को सोने से पहले पंखा चलाया था, पर पंखे से ठंडी हवा आने के वजह ऐसा लग रहा था जैसे कि लू गिर रही हो। तो तुम लोगों को कूलर नहीं दिखाई दिया था, उसे चालू कर लेना चाहिए था। अरे माँ जी, हम लोगों ने कूलर में 2 बाल्टी पानी डालकर उसे भी चालू कर लिया था, फिर भी हवा गरम गरम आ रही थी। हाँ माँ, रात को नींद पूरा न होने से मुझे सिर में चक्कर आ रहा है और हाथ पैर भी दर्द कर रहा है। तुझे क्या बताऊँ बेटा, रात को मैं भी सोने से पहले एसी चालू करके सो हुई थी, फिर भी कमरे में ठंडा होने के बजाय कमरा तो गर्म हो गया था। पता नहीं माँ, हर साल से मुकाबले इस बार गर्मी क्यों बढ़ रही है? अभी तो बहुत कम, मतलब 45-40 डिग्री तक पहुँची है, तो पर यही हाल रहा। आने वाला 5-10 साल में यह गर्मी 70-80 पहुँच जाएगी।